Welcome everyone. Welcome to Maths by Rishi. We are doing the revision for term one and we have finished the topic of relations. Today we'll be doing functions. Functions जितना हमारे syllabus में रह गया है उतने पे ही पूरा पूरा focus होगा. और as usual NCERT हमारी bible है. MCQ paper भी आएगा तो ध्यान रखना उसी पे based होगा. और मुझे strongly ये लगता है, मैं strongly इस बात को endorse करूँगा कि questions as it is NCERT example, मतलब जो एग्जांपल्स में दे रखे हैं और साइज में दे रखे हैं वहीं से निकल के आएंगे. कम से कम 40 में से 25-30 क्वेश्चन एज इट इज आपके एनसीईआरटी से होंगे. मैं फिर से दोहरा रहा हूं एंड दिस इज ऑन रिकॉर्डिंग, ठीक है? तो अकॉर्डिंगली एनसीईआरटी को बिल्कुल भी मिस मत करना. और जो भी आप सैंपल पेपर यूज कर रहे हो मेक श्योर किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करो, क्योंकि बहुत सारे सैंपल पेपर अभी ऐसे आ गए हैं जो कि बोर्ड लेवल के हैं ही नहीं. सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन होने से वो बोर्ड लेवल नहीं बन जाता है, ठीक है? इट हैज टू बी रेलेवेंट. नो बुक इज बैड, but we need a relevant book which is relevant for term 1. Okay, when we are preparing for IIT, NDA, different exams, we need a relevant book, right? Every book is good, but we need a relevant book for a relevant exam. Okay, so please make sure that you use the relevant book. Okay, let's see. Types of functions pe hamara aaj focus hoga. Okay, one-one function kisko kehte hain, many-one function kisko kehte hain. One-one ka naam injective bhi hota hai. Jo one-one nahi hai usko many-one kahenge. ऑन टू का नाम सर्जेक्टिव भी होता है, जो ऑन टू नहीं है उसको इन टू कहेंगे. और अगर कोई फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है तो उसको बाइजेक्टिव कहेंगे, ठीक है? सो इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव इज इक्वल टू बाइजेक्टिव. ओके, आई थिंक दैट इज फाइन. इन सबको समझने से पहले एक बेसिक बात तुमसे करता हूँ, दैट इज वैलिडिटी ऑफ अ फंक्शन. ठीक है, वैलिडिटी ऑफ अ फंक्शन, कोई भी फंक्शन किस कंडीशन में एक वैलिड फंक्शन कहलाता है, ठीक है? वैलिडिटी, वैलिडिटी क्या कर रहा हूं मैं, वैलिडिटी ऑफ अ फंक्शन, ठीक है? वैलिडिटी ऑफ अ फंक्शन. ओके, देखो होता यह है, हम लोगों ने कल रिलेशंस किया था, हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, उसका जो हमारे पास सबसेट होता है वो हमारे पास रिलेशंस होते हैं, ठीक है? और जो रिलेशंस का सबसेट होते हैं ना वो हमारे पास फंक्शन होते हैं, ठीक है? रिलेशन में डोमेन का एक एलिमेंट, राइट, डिफरेंट रेंज के या कोडोमेन के एलिमेंट से लिंक्ड हो सकता है, बट यहाँ फंक्शन में डोमेन का एक एलिमेंट आउटपुट के एक ही एलिमेंट से लिंक्ड होगा. एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होना चाहिए. फंक्शन बिल्कुल मशीन के तरीके से होता है, राइट? जैसे रियल वर्ल्ड में मशीन्स होती हैं वैसे ही मैथमेटिक्स के वर्ल्ड में उसको फंक्शन से हम लोग रिलेट करते हैं, ठीक है? डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट आएगा. अगर हम मशीन में मैंगो डालेंगे तो मैंगो जूस आएगा, ऑरेंज डालेंगे तो ऑरेंज जूस आएगा. ऐसा नहीं है कि हमने एक बार मैंगो डाला तो मैंगो जूस आ गया, अब की बार मैंगो डाला तो ऑरेंज जूस आ गया, ठीक है? सेम इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट पॉसिबल नहीं है. ऑन दी अदर साइड डिफरेंट इनपुट के लिए सेम आउटपुट पॉसिबल है, उसी को हम लोग मेनी वन फंक्शन कह देते हैं, ठीक है? उसको और बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करता हूं. तो सबसे पहली चीज वैलिडिटी ऑफ अ फंक्शन में मैंने क्या बताया कि सेम इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट नहीं होगा, ठीक है? सेम इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट नहीं होगा. ओके, इट विल बी सेम आउटपुट एवरी टाइम. ओके, और क्या बताया मैंने, हमारे पास डोमेन में, डोमेन यानी जो इनपुट है, डोमेन का मतलब क्या होता है, इनपुट, ठीक है? हमारे पास डोमेन में सारे एलिमेंट्स का आउटपुट होना चाहिए, राइट? ऑल ऑफ देम शुड बी मैप्ड, ऑल ऑफ देम शुड बी मैप्ड. मैप्ड का मतलब उसका एक रिलेशन होना चाहिए, कह सकते हो टेक्निकल टर्म्स में उसकी एक इमेज होनी चाहिए, राइट? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन, ऑल ऑफ देम शुड हैव एन इमेज, शुड हैव एन इमेज, ठीक है? These are the two things for validity of a function, ठीक है? One one function में क्या है हमारे पास कि एक इनपुट का एक ही आउटपुट होगा. अगर एक इनपुट का एक ही आउटपुट है ना, इसको डोमेन से रिलेट कर लो और इसको कोडोमेन से रिलेट कर लो, ठीक है? हमारे पास इनपुट है 1, 2, 3, आउटपुट लेट से आ गया 4, 6 and 7. 1 जब हमने इनपुट किया तो आउटपुट 4 आ गया, 2 पे हमारे पास 6 आ गया, और फिर हमने 2 इंसर्ट किया तो 7 आ गया. ना, ये मशीन खराब है, ऐसी मशीन हमारे मैथमेटिक्स में एक्सेप्टेबल नहीं है. हाँ, 3 किया तो 7 आ गया, ठीक है, चलेगा, ठीक है? ऐसे मशीन को क्या बोलते हैं, वन वन या फिर इंजेक्टिव बोलते हैं. ओके, आओ इसके और एग्जांपल्स देता हूँ.
कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं यहाँ जो हमने एनसीईआरटी बुक से ले रखे, F1, F2, F3, F4 ये फंक्शंस हैं। इसमें क्या है, वन इसको क्या बोलते हैं, इसको डोमेन बोलते हैं, ठीक है, इसको डोमेन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो जब मैंने वन इनपुट किया तो ए आया, टू के लिए बी आया, थ्री के लिए डी आया, और फोर के लिए सी आया, ठीक है। तो मैंने क्या अभी यूज किया था, वर्ड इमेज, ठीक है। तो मैं अगर आपसे बोलता हूँ व्हाट इज द इमेज ऑफ वन, आप बोलोगे ए, व्हाट इज द इमेज ऑफ थ्री, इट इज डी, व्हाट इज द इमेज ऑफ फोर, इट इज सी। अगर मैं आपसे कहता हूँ प्री इमेज, ठीक है, तो डोमेन को प्री इमेज भी कहा जाता है, ध्यान रखना। व्हाट इज द प्री इमेज ऑफ सी, इट इज फोर, व्हाट इज द प्री इमेज ऑफ बी, इट इज टू, व्हाट इज द प्री इमेज ऑफ डी, इट इज थ्री, है ना। तो ये प्री इमेजेस हैं। यहाँ पे मेरे पास दो टर्म्स हमने देखे थे, यहाँ एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट है, राइट, और जितने भी डोमेन में एलिमेंट्स हैं उन सबका कोई ना कोई हमारे पास इमेज है, ठीक है। तो ये वैलिड फंक्शन है, और ये कैसा फंक्शन है, वन वन फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है, इट इज अ वन वन फंक्शन, एक इनपुट एक ही आउटपुट से रिलेटेड है। तो ये एक इंजेक्टिव फंक्शन है, इसका नाम क्या है, इंजेक्टिव या फिर वन वन फंक्शन। आई होप यू इजिली गेट दैट। एफ टू की बात करते हैं, एफ टू में हमारे पास क्या है, वन जब हमने इनपुट किया तो हमारे पास आउटपुट बी आया, यानी कि वन का मेरे पास इमेज क्या है, बी, टू का इमेज क्या है, बी। क्या ये फंक्शन वैलिड है, यस वैलिड है। डिफरेंट इनपुट के लिए सेम आउटपुट अलाउड है, बट सेम इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट अलाउड नहीं है, ठीक है। इस बात को कैसे ध्यान रखोगे, सपोज करो भाई अपना एग्जाम्पल ले लो जूसर वाला, ठीक है, जूसर वाला एग्जाम्पल ले लो। आपने इनपुट किया मैंगो जूस, आई मीन ऑरेंज ले लो यार, हटाओ मैंगो क्या हर पर, एक बार ऑरेंज ले लो, और ऑरेंज के साथ ना वो पोमोग्रेनेट्स ले लो, पोमोग्रेनेट्स को क्या बोलते हैं, अनार ले लो, ठीक है, अनार ले लो। तो तुमने अनार और ऑरेंज को यहाँ पे इनपुट किया, तुम्हारे पास आउटपुट क्या आया, मिक्स जूस आया, ठीक है। अगर तुमने अनार और ऑरेंज लिया तो फिर से मिक्स जूस ही आया ना, ठीक है। तो दो डिफरेंट इनपुट अगर सीक्वेंस में आगे पीछे कर दो या कुछ भी ऐसा कर लो तो सेम आउटपुट पॉसिबल है, बट सेम इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, यहाँ टू के लिए बी आया, वन के लिए भी बी आया, दिस इज अलाउड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनी वन, मोर देन वन, रिलेटेड टू वन, मेनी वन नाम से पता लगता है। ये फंक्शन क्या है, ये वन वन नहीं है, मेनी वन है, ये नॉट इंजेक्टिव है। थ्री के लिए फोर, फोर के लिए डी, ठीक है, सारे फंक्शन हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब हैं, और एक के साथ एक का ही रिलेशन है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास थ्री के दो दो इमेजेस हैं, ठीक है, डोमेन के एक से अधिक इमेजेस नहीं हो सकते। ओके, एफ थ्री की बात करते हैं, वन के लिए ए, टू के लिए ए, थ्री के लिए बी, फोर के लिए सी, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये भी हमारे पास कैसा है, ये भी हमारे पास मेनी वन है ना, ये भी मेनी वन है। अच्छा, एक और पीछे वर्ड लिखा था ऑन टू, जिसको हम लोगों ने सर्जेक्टिव भी बोला था, है ना, ऑन टू को हमने सर्जेक्टिव भी बोला था। इसका लेना देना पता है किससे, सर्जेक्शन भी बोल देते हैं, सर्जेक्टिव भी बोल देते हैं, ठीक है, सर्जेक्टिव भी बोल देते हैं। इसका लेना देना किससे, कोडोमेन से। जैसे अगर मैं फंक्शन वन की बात करूं और आपसे बोलूं कि बताओ इसके हमारे पास फंक्शन वन में हमारे पास रेंज क्या है, ठीक है, तो कोडोमेन क्या है, ए बी सी डी ई एफ, बट रेंज क्या है हमारे पास फंक्शन वन में, जिस जो हमारे पास इमेजेस हैं उसी को रेंज बोलेंगे। जैसे कि हमारे पास जिसका जिसका प्री इमेज अवेलेबल है, ए का प्री इमेज है, बी का है, सी का है और डी का है, तो हमारे पास रेंज क्या है, ए बी सी डी, जबकि कोडोमेन क्या है, ए बी सी डी ई एफ। जब कभी भी रेंज और कोडोमेन बराबर होते हैं, या फिर आप ये कह लो कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास कोडोमेन में उन सबके प्री इमेजेस हैं, तो उसी को ऑन टू कहा जाता है, ठीक है, उसी को ऑन टू कहा जाता है, जिसको हम लोग सर्जेक्टिव भी कहते हैं। यहाँ पे ए बी सी हमारे पास तीन चीजें हैं, और तीनों की हमारे पास प्री इमेजेस हैं। वो बात और है कि हमारे पास एक ही दो प्री इमेज है, वन एज वेल एज टू, ठीक है, दैट इज अलाउड, चलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये ऑन टू फंक्शन है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ फोर्थ फंक्शन की, तो अब क्या है, देखो जितने भी हैं सबकी प्री इमेज है, और एक फंक्शन एक ही से रिलेटेड है ना, तो ये क्या है, ये हमारे पास बाइजेक्शन है। व्हाट इज दिस, बाइजेक्शन, राइट, ये वन वन भी है, ऑन टू भी है, यानी कि इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव बोलेंगे। ओके, आओ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारे पास दे रखे हैं, राइट, लेट्स डिस्कस क्विकली मोर एंड मोर क्वेश्चंस सो दैट वी हैव बेटर ग्रिप ऑफ, बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है।
सो शो दैट द फंक्शन आर टू आर, किसी को कुछ कहना है? माइक ऑन है, अगर कुछ कहना कह सकते हो. ओके लेट्स सी. शो दैट द फंक्शन आर स्टार टू आर स्टार, राइट, एस्ट्रिक बोल लो, स्टार बोल लो, डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स. ये फ्रॉम दिस टू दिस, इसका मतलब क्या होता है कि दिस इज योर डोमेन एंड दिस इज योर को डोमेन. ध्यान रखना, पहला, अगर कभी भी मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, तो ए क्या कहलाएगा? मेरा डोमेन कहलाएगा, और बी क्या कहलाएगा? मेरा को डोमेन कहलाएगा. ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है. अच्छा, और क्या है भाई? डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स इज वन वन एंड ऑन टू. ओके, ये कह रहे हैं कि ये हमें शो कर, खैर शो करने का तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिलहाल हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहते हैं, है ना. इसी को एमसीक्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना. वो बोल देंगे कि बताओ एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स इज वन वन ऑन टू, इज मेनी वन ऑन टू, इज ऑनली ऑन टू, है ना, इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव. इस तरह के ऑप्शन क्रिएट किया जा सकते हैं, कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं है. तो ये कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है आपको, ठीक है. फिर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन जो भी आपके असेंबली पर, आप उससे प्रैक्टिस करें और जहां डाउट्स आए आप पूछें, ठीक है. तो देखते हैं, इज वन वन एंड ऑन टू, ये हमें शो करना है, कोई चक्कर नहीं. ओके, आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, यानी कि हमारे पास ये जो आर एस्ट्रिक जो इन्होंने दिया है, राइट, इसका मतलब क्या दिया? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, राइट, नॉन जीरो रियल नंबर्स मतलब क्या है? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो. ओके, इस बात को क्या ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के जीरो और जीरो से लेकर के इन्फिनिटी, है ना. हमने ओपन ब्रैकेट्स में यूज कर लिया एंड इट इज डन. Is the result true if the domain R asterisk is replaced by N with codomain being the same? क्या ये result तब भी true होगा अगर ये function आपके पास जो है natural number से, natural number से R asterisk को हो जाए, तो क्या ये अभी भी ये function true होगा? ये इसका second part है. बहुत अच्छा question है. अच्छा, मतलब basic अच्छी understanding इस question के अंदर छिपी हुई है. आओ देखते हैं. तो देखो, वन वन कब होता है? जब डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट मिलता है. तो यहाँ मैं देख रहा हूँ, है ना, आसानी से, कि अगर मैं यहाँ पे एक्स वन रखूंगा तो मुझे वन बाई एक्स वन मिलेगा, और अगर मैं एक्स टू रखूंगा तो ये वन बाई एक्स टू मिलेगा, है ना, वन बाई एक्स टू मिलेगा. अगर एक्स वन एक्स टू डिफरेंट है तो वन बाई एक्स वन वन बाई एक्स टू भी डिफरेंट होगा, है ना. और अगर ऐसे हम मान लेते हैं कि नहीं भाई, ऐसा कोई एक्स वन एक्स टू डिफरेंट पॉसिबल है, ताकि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू हो जाए, तो ऐसा तो तब कब होता है? जब हमारे पास मिनिमम फंक्शन होता है, ठीक है. तो इन दिस केस व्हाट इज दिस, 1 बाय x1 इज इक्वल टू 1 बाय x2, एंड दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2, राइट. यानी कि ये किसी भी सूरत में मिनिमम नहीं है, ये 1 1 ही है, ठीक है. खैर फिलहाल इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्टिव पेपर में दिस इज हाउ यू डू इट. ओके, और ऑन टू क्या होता है? जब हमारे पास जितनी भी चीजें को डोमेन में है, वो सब की सब अगर रेंज में आ जाए, तो वही हमारा ऑन टू हो जाता है, ठीक है. तो रेंज निकालने का तरीका क्या होता है? रेंज निकालने का तरीका ये होता है कि आप एफ एक्स को वाई से रिप्लेस करो. आप क्या करो? एफ एक्स को वाई से रिप्लेस करो. आपके पास एफ एक्स कितना दे रखा है? वन बाई एक्स दे रखा है, ठीक है. आप क्या करो? इसके जगह पे वाई लिख लो, ठीक है. तो ये तो बड़ा सिंपल सा फंक्शन एक है, और वाई अभी एक्स के फॉर्म में है, आप एक्स को वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लो, ठीक है. जितनी भी वाई की पॉसिबल वैल्यूज हैं, वो सब की सब क्या कहलाती है? रेंज कहलाती है. तो हमें साफ साफ दिखता है कि y can be any real number except zero, ठीक है. y can be any real number except zero. तो हमारे पास रेंज कितना आ गया? Any real number except zero. तो क्या ये one one और on two दोनों हो गया? Yes. Range is exactly equal to what? Codomain. इसलिए ये क्या बन गया हमारे पास? One one on two बन गया, यानी कि bijective बन गया. Okay? अच्छा जी, बहुत बढ़िया. अब क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि अगर डोमेन में आप चेंज कर दोगे, नाउ द डोमेन, अब आपका डोमेन नेचुरल नंबर हो जाएगा, और कोडोमेन अभी भी कितना है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो. तो सोचने की बात यह है कि अब आपके पास रेंज में सब कुछ नहीं आ पाएगा. क्यों नहीं आ पाएगा? देखो, तुम्हारे पास ये फंक्शन है, और अब तुमने सिर्फ इनपुट में क्या रखना है? नेचुरल नंबर्स रखने. तो अगर मैं एफ ऑफ वन की बात करूं, मुझे क्या मिलेगा? मुझे वन बाई वन मिलेगा, है ना. अगर मैं एफ ऑफ टू की बात करूं, बिकॉज नेचुरल नंबर्स वन से ही तो स्टार्ट होंगे, वन बाई टू मिलेगा. अगर मैं एफ ऑफ थ्री की बात करूं, तो मुझे क्या मिलेगा? वन बाई थ्री मिलेगा. यानी कि ये नंबर कभी भी वन से बड़ा नहीं हो पाएगा, है ना. और ये नंबर हमारे पास कभी भी वन से बड़ा नहीं हो पाएगा. इन्होंने बोला कि अगर मैं ऐसा कर दूं तो क्या रिजल्ट सेम रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं. अब ये वन वन तो है, लेकिन ऑन टू नहीं है, है ना. अब इसका रेंज कितना दिखता है बच्चों? अब इसका रेंज हमें दिखना चाहिए जीरो से लेके वन तक. अगर ये फंक्शन मैं चेंज करता हूं
नाउ द डोमेन बिकम्स नेचुरल नंबर, सो वन ध्यान से देखो क्लोज ब्रैकेट में और वन जीरो ओपन ब्रैकेट में है, क्योंकि आप कोई भी कितने से बड़ा नेचुरल नंबर ले रहे हो आपके पास ये जीरो कभी अचीव नहीं होगा, इट विल बी समवेयर क्लोज टू जीरो, इवन इफ यू टेक वन अपॉन वन लाख करोड़, इट विल बी समथिंग 0.00001, सो इट विल नेवर टच जीरो, ओके, it will touch zero at infinity, which is a hypothetical term. So it will never touch, ideally it will never touch, practically it will never touch zero. So yahan pe isliye maine zero ko open interval mein rakha aur one ko close interval mein rakha hai. So I hope you understand the concepts, theek hai, dekho aage badhte hain, thode questions aur lete hain, discuss karte hain, koi doubt reh jaye to chat box use karo, you can use the chat box, okay, let me know, koi zaruri nahi hai ki main bahut fast fast move karu aur tum kuch bhi na samjho, theek hai, so in case there is any problem you can use the chat box, let's see. From n to n, then हमें ये prove करना है injectivity and surjectivity, ठीक है, अब natural number से natural number है, तो एक बात तो पक्की है कि जब मैं one लूँगा तो one का square one हो जाएगा, जब मैं two लूँगा तो मुझे two का square four मिल जाएगा, और three लूँगा तो ऐसी natural number है, तो यार ये one one तो है, different input के different output तो आएगा, कोई पक्की बात है, है ना? अच्छा क्या ये onto है? ना 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 onto नहीं है, क्यों? क्योंकि codomain में सारे natural numbers हैं और मैं साफ साफ देख रहा हूँ कि मेरे पास रेंज में है ना, रेंज में मेरे पास टू भी नहीं है, थ्री भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स नहीं है, है ना, तो ये कभी भी हमारे पास ऑन टू नहीं हो पाएगा, ठीक है. अच्छा अब अगर मैं जेड से जेड की बात करूं तो जेड क्या है हमारे पास? इंटीजर्स. और इज जेड इंटीजर, ठीक है, तो अगर मैं जेड से जेड की बात करूं तो क्या अब ये वन वन है? मतलब मैं वन के बारे में पहले आंसर क्या दूंगा? मैं बोलूंगा यस इट इज इंजेक्टिव, इट इज इंजेक्टिव. And is it surjective? No, it is not surjective. ठीक है, it is not onto. ठीक है ना? Okay. अगर second की बात करूं तो अब यहाँ integers क्या होते हैं? Minus, positive दोनों ही होते हैं. तो अगर मैं बात करूं f of minus two की तो कितना आएगा? Four आएगा. f of two की बात करूं तो ये भी four आएगा. तो भाई ये one one तो नहीं है, है ना? One one तो नहीं है. क्या ये onto है? Onto भी नहीं है. क्यों? क्योंकि हमारे पास range में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स ही आएंगे, है ना? जीरो आ सकता है, वन आ सकता है, फोर आ सकता है, आप ये कह लो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होंगे, है ना? जीरो बिकॉज जीरो है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स की जगह आप ये कह सकते हो कि हमारे पास सिर्फ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे, ठीक है, सिर्फ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स रेंज में आएंगे. तो इट इज नीदर इंजेक्टिव एंड नॉट सब्जेक्टिव द सेकेंड वन, ठीक हो? देखो सेम एग्जाम्पल है, सिर्फ डोमेन और कोडोमेन को बदल देने से जो आउटपुट है वो बदल जा रहा है, ठीक है, तो इसको हमें ध्यान देना है. सिमिलरली अगर R से R की बात करते हैं, रियल नंबर से रियल नंबर की बात करते हैं, हमारे पास एफ एक्स एक्स स्क्वायर है और हमें बताना है कि क्या अब ये हमारे पास सब कुछ होगा, तो देखते हैं. यार माइनस के लिए तो अभी भी प्लस ही होगा, तो ये वन वन तो नहीं है, है ना? माइनस वन पे भी वन आएगा, प्लस वन पे भी प्लस वन आएगा, तो वन वन तो नहीं है. अच्छा ऑन टू है क्या? ऑन टू भी नहीं होगा, बिकॉज हमारे पास अगर रियल नंबर है बेटा तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वाला भी हमारे पास ना ही इंजेक्टिव है और ना ही सर्जेक्टिव है, ठीक है. अच्छा फोर्थ में क्या है? नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ओके. अब की बात एक्स क्यूब है, तो ठीक है एक्स क्यूब है, जरा देख लेते हैं, है ना, घबराने की तो कोई जरूरत है नहीं. तो अगर मैं एफ वन की बात करूं, बिकॉज नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, तो एफ वन कितना आएगा? वन आ जाएगा, वन का क्यूब. और अगर टू की बात करूं तो अब की बात टू का क्यूब एट आ जाएगा. अच्छा अच्छा ठीक है, थ्री पे 27 हो जाएगा, तो वन वन तो होगा बिकॉज नेचुरल नंबर ही है, वन वन तो है. अच्छा ऑन टू है क्या? नहीं ऑन टू नहीं है. क्यों? क्योंकि साफ साफ दिखता है रेंज में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पास नहीं आ पा रही हैं, टू नहीं है, थ्री नहीं है, नंबर ऑफ अदर थिंग्स आर नॉट आर मिसिंग, ठीक है, तो ये हमारे पास रेंज तो नहीं हो सकता, मतलब ये ऑन टू तो नहीं हो सकता. मैं इसको क्या बोलूंगा? ये हमारा इंजेक्टिव तो है, इंजेक्टिव तो है, लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है, ठीक है, सर्जेक्टिव नहीं है. व्हाट अबाउट दिस? क्या इंजेक्टिव है? यस yes, बिल्कुल है. क्यों? क्योंकि अगर मैं माइनस वन लूंगा तो मेरे पास माइनस वन आएगा, लेकिन अगर मैं प्लस वन लूंगा तो अभी प्लस वन आएगा, मतलब डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट तो आएगा. ऐसा कोई इनपुट मैं सोच नहीं पा रहा जिसके लिए हमारे पास सेम आउटपुट आ जाए, डिफरेंट इनपुट के लिए सेम, तभी तो मिनिमम होता है, ठीक है. तो ये वन वन तो है, यानी कि इंजेक्टिव तो ये भी है, दिस इज इंजेक्टिव. व्हाट अबाउट सर्जेक्टिव? क्या ये सब कुछ अचीव कर सकता है? क्या इंटीजर है? नहीं यार इंटीजर है. क्या सारे इंटीजर आएंगे आउटपुट में? नहीं सारे कैसे आ पाएंगे. मेरे पास सेवन का भी आउटपुट आएगा? क्या ऐसा कोई इंटीजर इनपुट है जिसका क्यूब करने पे सेवन आ जाएगा? नहीं.
अगर नहीं है तो ये सब्जेक्टिव नहीं है, ये सब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है? यस नो करके बताओ चैट बॉक्स में जल्दी से। क्वेश्चंस आज हैं, काफी सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास आज डिस्कस करने को, ठीक है? पूरा ही इसको फिनिश कर डालना है आज। समझ में आ रहा है सभी को? गुड 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 गुड, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बताइए। प्रूव दैट द, प्रूव रूफ मत नहीं करना है ना तुम्हें, हमें समय तो सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है, राइट? हमें प्रूव रूफ से कोई मतलब नहीं है, MCQ पेपर है और हमें प्रूव रूफ नहीं करना है, हम तो सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं। अच्छा, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आई होप आपको पता है क्या होता है, इनकेस अगर नहीं पता तो देख लो, एक मिनट लगेगा समझने में, ठीक है? ऐसे हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखते हैं, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। इसका मतलब क्या आता है कि अगर आप कुछ भी इनपुट करो, मान लो मैंने वन इनपुट किया, ठीक है, वन इनपुट किया तो मेरे पास आउटपुट कितना आ गया, वन। मैंने इनपुट किया -9, इंटीजर है राइट, -9 भी तो एक इंटीजर ही है, आउटपुट कितना आ गया, -9। बट अगर मैंने इनपुट कुछ नॉन इंटीजर किया, मान लो जैसे f(√2), ठीक है, तो √2 अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 1.414 के आसपास होता है, इरेशनल नंबर है ना, तो इसका आउटपुट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। और अगर मैंने इनपुट किया -√6, जरा मुझे चैट बॉक्स में बताओ कितना आएगा आउटपुट, -√6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा, जरा मुझे चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से, क्विकली। कुछ लोग तो जानते होंगे ना, आप में से कुछ लोग तो जानते ही होंगे, इफ नॉट एवरीवन। √6 का वैल्यू, अरे √6 का वैल्यू मैं क्यों बताऊं, तुम्हें पता होना चाहिए, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अरे भाई √6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 के बीच में होगी, √4 से बड़ा है और √9 से छोटा है, है ना, तो 2 से 3 के बीच में होगी अप्रोक्सीमेटली। अगर जानना चाहो तो 2.4 के आसपास ले सकते हो √6, ठीक है? अब ये वाला तो तुम्हें खुद ही करना चाहिए था, मेरे से नहीं पूछना चाहिए था, है ना, क्योंकि इसकी जरूरत भी नहीं है तुम्हें, अप्रोक्सीमेशन की जरूरत है यहाँ पे। देखो आप में से 2 लोगों ने सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे हमारा आउटपुट आएगा -3, ठीक है? होता क्या है, आप जब कभी भी कोई भी इंटीजर इनपुट लेते हो, 1, -9, 0, 100, 200, 700, 1 लाख, कुछ भी, तो आउटपुट सेम होता है जो तुम्हारे पास इनपुट है, अगर इंटीजर है तो। अगर इंटीजर नहीं है, जैसे कि √2 था इससे पहले, तो √2 की वैल्यू कितनी है, 1.414, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी फर्स्ट इंटीजर होगा वो तुम्हारा आंसर होगा। तो √2 के लेफ्ट हैंड साइड पे पहला इंटीजर क्या है, 1, आंसर क्या है, 1। √6 है, √6 माइनस का √6, तो माइनस का √6 ये 2.4 विद नेगेटिव साइन समथिंग अप्रोक्सीमेटली, इसके लेफ्ट साइड पे जो सबसे पहला इंटीजर होगा वो तुम्हारा आउटपुट, आंसर कितना आएगा, -3। तो पहले तो आपको GIF समझ में आना चाहिए, ठीक है? अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये बोल रहे हैं इट इज नीदर 1 1 नॉर 2, एब्सोल्युटली करेक्ट। डोमेन क्या बोल रहे हैं, ऑल रियल नंबर्स। कोडोमेन क्या बोल रहे हैं, ऑल रियल नंबर्स। रेंज साफ साफ दिखता है हमें, हमें रेंज क्या दिखता है, हमें रेंज दिखता है जेड। सिर्फ इंटीग्रल आउटपुट आ रहा है, सिर्फ इंटीग्रल, किसी भी इनपुट के लिए सिर्फ इंटीग्रल आउटपुट। तो भाई ये हमारा ऑन टू तो नहीं है ना। अच्छा, 1 1 की बात करेंगे तो कोई टेंशन ही नहीं है, अगर मैं √2 बोलूं तो भी 1 है आउटपुट, और √3 बोलूंगा तो भी 1 आएगा, तो ये 1 1 भी नहीं है, मेनी 1 है। तो यार ये इसमें क्या करना है, बहुत आसानी से समझ में आ गया, ठीक है? आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। बिल्कुल सही है अनुष्का, अर्पित, मनन, तीनों का ही सही है, बिल्कुल सही, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन जरा सोच के बताओ, मैं वीडियो पॉज पे लगाता हूँ, सोच के बताओ। चलो मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ कि GIF अभी हमने डिस्कस किया, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया सिग्नम फंक्शन, है ना, ये इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सिग्नम फंक्शन कैसा दिखता है, ये दिखता है मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है बिकॉज इन्होंने दे रखा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपको बताना है R2R 1 1 ऑन 2 होगा कि नहीं, और शो करना है, शो करने की जरूरत नहीं, तुम्हें समझना है सिर्फ, है ना, तो समझो ऐसे। चलो बताई देता हूँ, टाइम कम है, ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो 1 1 और नीदर 1 1 और ऑन 2, तो समझ में आता है कि भाई अगर कुछ भी x से ग्रेटर देन 0 लोगे तो ये हमेशा ही 1 होगा। अगर मैं f1 की बात करूँ तो भी 1 है, f2 की बात करूँ तो भी 2 है, कुछ भी इधर रखूँ तो भी 1 आएगा, आई एम सॉरी, है ना, हमेशा ये 1 है ना, 1 दे रखा है, तो ग्रेटर देन 0 के लिए इसका आउटपुट हमेशा ही 1 आ रहा है, ठीक है? इसका मतलब ये 1 1 तो नहीं है, क्या ये मेनी है, मेनी 1 है, ठीक है। ऑन टू की बात करें तो इन्होंने बोल रखा है कि कोडोमेन में हमारे पास क्या है, सारे रियल नंबर्स हैं, जबकि अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज में हमारे पास कितना आ जाएगा,
वन जीरो और माइनस वन, है ना, माइनस वन होना चाहिए यहाँ पे ना, माइनस वन आएगा, आप इसको ठीक कर लो। ठीक है, हमारे पास रेंज में क्या होना चाहिए, माइनस वन होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू ग्राफ इट विल बी मेनी वन एंड आउटपुट विल बी जीरो वन, जीरो वन टू नहीं है ना, इट विल बी जीरो वन एंड माइनस वन। ओके, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते थे कि रेंज हमारा कोडोमेन के इक्वल नहीं है, इसीलिए ऑन टू नहीं है, और क्योंकि डिफरेंट इनपुट के लिए सेम आउटपुट आ रहा है तो ये हमारे पास वन वन भी नहीं है, इट इज मेनी वन। आई होप यू गेट दैट, फैंटास्टिक राइट। बहुत तेजी से आगे बढ़ते चलना है, फास्ट 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 मूव करना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, डोमेन क्या है ये, कोडोमेन क्या है ये, फंक्शन इन्होंने इस बार रोस्टर फॉर्म में दिया, रोस्टर फॉर्म में। वन जब हमने इनपुट किया तो आउटपुट फोर आया, फोर इज द इमेज ऑफ वन, फाइव इज द इमेज ऑफ टू, थ्री इज द प्री इमेज ऑफ सिक्स, है ना। ये वर्ड्स ध्यान रखना जो मैं यूज कर रहा हूँ बार बार जानबूझ के, इंजेक्टिव सब्जेक्टिव बाइजेक्टिव इमेज प्री इमेज, ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखनी है, टर्मिनोलॉजी बहुत आसान चीजें हैं, ठीक है। ओके, शो वो तो खैर हमें नहीं करना, वी डोंट वांट टू शो एनीथिंग। ओके, वन वन ठीक है, डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट आ रहा है, वन वन है, सारे जितने हमारे पास इनपुट्स हैं सबके लिए हमारे पास इमेजेस हैं, तो ठीक है, ये फंक्शन वैलिड भी है। क्या ये ऑन टू है, ना भाई ऑन टू नहीं है, क्यों, क्योंकि रेंज में हमारे पास फोर फाइव सिक्स आ रहा है, सेवन का कोई हमारे पास प्री इमेज नहीं है, इसलिए ऑन टू नहीं है, ये क्या है, सिर्फ इंजेक्टिव है। ठीक है, फैंटास्टिक, बहुत सही जा रहे हो तुम लोग, बहुत बढ़िया। देखो फिर से चेक वेदर इट इज वन वन और ऑन टू और नॉट, ये वो, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये थोड़ा मामला जबरदस्त हो गया है ना, तो ध्यान रखना कभी भी तुम्हारे पास ना अगर पावर ऑड हो, पावर ऑड हो तो वन वन हमेशा होगा, क्या होगा बच्चों, वन वन हमेशा होगा। अगर पावर इवन है और इनपुट में तुम्हारे पास पूरे रियल नंबर से मतलब नेगेटिव वाले भी अलाउड है तो ये कभी वन वन नहीं हो सकता, है ना। ये क्या है भाई, ये मेनी वन है सेकेंड वाला। अब बात आती है ऑन टू की, यानी चेक करें कि रेंज कितना है। तो देखो ऐसे तो रेंज तुम बहुत सारे तरीके से दे सकते हो, लेकिन मुझे जो तरीका सबसे अच्छा लगता है वो हमारा वाई वाला तरीका होता है। ठीक है, क्या मतलब है, देखो पहले वाले को मैं ऐसे लिखूंगा थ्री माइनस फोर एक्स, और मैं एक्स को ना वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लूंगा। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास फोर एक्स इज इक्वल टू थ्री माइनस वाई, एक्स इज इक्वल टू थ्री माइनस वाई अपॉन फोर। यहाँ पे वाई की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, यानी कि सब कुछ पॉसिबल, ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। तो ये वन वन ऑन टू बाइजेक्टिव, इसका क्या बोलना चाहिए अपने को, हमें बोलना चाहिए ये बाइजेक्टिव है। ठीक है, ये सर्जेक्टिव भी है और इंजेक्टिव भी है, ये क्या है बच्चों, ये बाइजेक्टिव है। ठीक है, वन प्लस एक्स स्क्वायर सर्टेनली ये हमारे पास इंजेक्टिव तो नहीं है। अच्छा, ऑन टू के बारे में सोचते हैं, क्या यहाँ पे आउटपुट में सब कुछ आएगा ना, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही आएंगे, क्योंकि वन तो पहले ही पॉजिटिव है, और एक्स के अंदर तुम इनपुट में जो मर्जी रखो स्क्वायर करने पे हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। अगर मुझे इसका रेंज बताना होता तो मैं क्या बताता, मैं बोलता वन से लेके इन्फिनिटी, है कि नहीं। एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। तो वन में ऐड करोगे तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी एफ एक्स की, वन आएगी, और मैक्सिमम आगे बढ़ती चली जाएगी, कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो ये सर्टेनली इट इज नीदर वन वन नॉर ऑन टू। ओके ठीक है भाई, चलो 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 तेजी से बढ़ते चलना है, लिमिटेड टाइम में ढेर सारे क्वेश्चन करके निकलने हैं। ठीक है, एन से एन नेचुरल नंबर है आपके पास, है ना, मतलब आपके पास डोमेन भी नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। बोल रहे हैं जस्टिफाई वेदर इट इज बाइजेक्टिव। ठीक है, चेक कर लेते हैं, इनपुट रख के देखते हैं ऑड नंबर के लिए। ऑड मैंने एन की वैल्यू वन रखा, वन रखा तो कितना हो गया, वन प्लस वन बाई टू। अच्छा, आउटपुट कितना आया हमारे पास, वन आया। वन के लिए कितना आया हमारे पास आउटपुट, वन आया। बस रख के देख लिया करो, बहुत टेंशन मत लो, एमसीक्यू पेपर है, एमसीक्यू तरीके से करो। ठीक है, अच्छा जरा अगला ऑड नंबर लेते हैं, थ्री लेते हैं। थ्री लिया तो कितना हो गया भाई, फोर बाई टू। अच्छा, फोर बाई टू तो टू आ गया, बहुत बढ़िया यार, ये तो बड़ा सही चल रहा है। अच्छा, अगर मैं नेक्स्ट लेता हूँ फाइव, तो फाइव कितना हो जाएगा भाई, फाइव 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 है, फाइव मेरे पास आ गया फाइव और सिक्स, तो ये मेरे पास थ्री आ गया। अच्छा, तो मतलब वन टू थ्री आउटपुट तो सबका सब आ रहा है, नेचुरल नंबर्स में सबके सब आउटपुट आते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा जरा इनके लिए देखें, इनके लिए देखते हैं कि हमने यहाँ पे मान लो इवन नंबर लिया, तो इवन नंबर मेरे पास क्या, टू है सब छोटा नंबर, तो मैंने अगर टू लिया तो मेरे पास टू के लिए कितना आ गया, वन आ गया, अरे वाह। और फोर के लिए कितना आ गया, फोर के लिए टू आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक बात तो पक्की है कि डिफरेंट इनपुट के लिए भी सेम आउटपुट आ रहा है,
है ना, शो दैट इट इज बाइजेक्टिव, गलत प्रूव करने को कह रहे हैं, इट इज नेवर बाइजेक्टिव, राइट, ये बाइजेक्टिव नहीं है, है ना। देखो ना, टू के लिए भी वन आ रहा है, और हमने वन रखा था तो भी हमारे पास टू बाई टू यानी कि वन आया था, ठीक है। थ्री रखा था तो फोर बाई टू भी टू आया था, और जब फोर रखा तो भी हमारे पास टू आ रहा है, तो ये बाइजेक्टिव तो नहीं है, है ना। ये मेनी वन तो है ना, ये क्या है, मेनी वन तो है, यानी कि इंजेक्टिव नहीं है। अच्छा, सर्जेक्टिव है कि नहीं, क्या हमारे पास सारे नेचुरल नंबर्स अचीव हो जाएंगे, यस। तो ये बाइजेक्टिव नहीं है, ये क्या है, सर्जेक्टिव है, ठीक कर लेना, ठीक है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। ये बोल रहे हैं स्टेट वेदर इट इज बाइजेक्टिव, और अच्छा ठीक करने वाली बात ही नहीं है, है ना। तो यस इट इज नॉट बाइजेक्टिव, इट इज मेनी वन प्लस सर्जेक्टिव, तो इसको हम लोग बाइजेक्टिव तो बोलते नहीं, ठीक है, वन वन नहीं। ओके फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया जा रहे हो, जल्दी से दो तीन क्वेश्चन और हैं, खत्म करना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या लिया, दो सेट लिए ए और बी, ए को बोला कि सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट थ्री, बी को बोला सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट वन, कंसीडर अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, डोमेन क्या बोला आर माइनस थ्री, कोडोमेन क्या बोला आर माइनस वन, डिफाइंड बाई दिस, इज दिस वन वन ऑन टू, ठीक है। अब हमें इस वजह से तो मतलब नहीं, हमें तो बस देखना है वन वन ऑन टू है कि नहीं, ठीक है। तो अच्छा, डोमेन में थ्री नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है ना, बिकॉज डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, मशीन खराब हो जाएगी। अच्छा, ये डिफरेंट इनपुट के लिए क्या डिफरेंट आउटपुट आएगा, ऐसा कभी जब चेक करना है और थोड़ा सा केस अच्छा है तो मैं तो ऐसे चेक कर लेता हूँ, एक्स वन, एक्स वन बाई थ्री, और एक्स टू रख लेता हूँ, है ना, एक्स टू माइनस टू एंड एक्स टू माइनस थ्री, यानी मैंने क्या किया, अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू लिया। वन वन देखने का अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है इस तरह का, तो मैं ऐसे चेक कर लेता हूँ, अगर यहाँ पे मेरे पास एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया तो सही है, वरना गलत है। तो चलो देख लेते हैं ना, टेंशन क्या है, एक्स वन एक्स टू मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, और माइनस थ्री टाइम्स ऑफ एक्स वन माइनस टू टाइम्स ऑफ एक्स टू प्लस सिक्स, राइट साइड पे आ गया मेरे पास एक्स वन एक्स टू माइनस टू टाइम्स ऑफ एक्स वन एंड माइनस थ्री टाइम्स ऑफ एक्स टू एंड प्लस सिक्स, तो प्लस सिक्स गया, एक्स वन एक्स टू गया, ठीक है, सारे के सारे एक्स वन को इधर लेके आ जाओ, तो ये आ गया तुम्हारे पास माइनस एक्स वन, और इसको इधर लेके आए तो ये आ गया तुम्हारे पास प्लस एक्स टू इज इक्वल टू जीरो, तो यस एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ गया, और एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू क्या बताता है कि हाँ भैया ये वन वन तो है, ठीक है। ओके, अब देखना है रेंज, तो रेंज के लिए मैंने क्या बताया था, x को y के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना, तो ये रहा y इज इक्वल टू x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री, और आप फिर x को y के फॉर्म में क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेस कर दो, जैसे मर्जी करना है, ठीक है, मतलब x को y के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तभी जो भी y की पॉसिबल वैल्यू वो सब क्या होंगी, रेंज हो जाएंगी। तो रेंज अगर इतना आ गया तो काम बन गया, तो देख लेते हैं, ये आ गया एक्स वाई माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, गेट ऑल दी एन एक्स वन साइड, तो ये x आ गया मेरे पास y माइनस वन, और इधर आ गया 3y माइनस टू, तो x कितना आ गया भाई, x आ गया अपने पास 3y माइनस टू अपॉन y माइनस वन, ये जो चीज़ निकल के आई ना, यही इस फंक्शन का इन्वर्स भी होता है, और इसमें y की जो पॉसिबल वैल्यूज है यही इसकी रेंज होती है, तो y की पॉसिबल वैल्यू क्या है, एवरीथिंग एक्सेप्ट वन, तो यस ये हमारे पास ऑन टू भी है, ये वन वन भी है, ऑन टू भी है, यानी कि यस इट इज बाइजेक्टिव, ठीक है। तो प्रोसेस सीखना है ना, आपके पास पेपर एमसीक्यू आने जा रहा है, तो आओ एमसीक्यू क्वेश्चंस, लास्ट के दो क्वेश्चन तेजी में करते हैं, राइट, हम लोग फटाफट से आज खूब टारगेट लेके आज क्लास रखा था कि सब डिस्कस करना है, एंड आई एम श्योर आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, इनकेस अगर कोई कमी रह जा रही है देन प्लीज पुट दैट इन योर ऑफिशियल ग्रुप और इन द चैट बॉक्स। देखो जल्दी से हमें ये सब करना है आज, टारगेट है भाई, एफ आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर फोर, चूज द करेक्ट आंसर, इट इज वन वन नेवर, है ना, इट इज मेनी वन ऑन टू, मेनी वन तो होगा क्योंकि माइनस के लिए भी पॉजिटिव देगा और प्लस के लिए भी पॉजिटिव देगा, ऑन टू है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं, ऑन टू नहीं हो सकता बिकॉज हमेशा से पॉजिटिव वैल्यूज ही देगा, इट इज नीदर वन वन नॉर ऑन टू, मैं क्या मार्क करूंगा, डी मार्क करूंगा, समझ में आ रहा है कैसे एमसीक्यू कैसे करना, एकदम ऐसे उड़ा देना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन एंड लास्ट मिनट, एफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स, चूज द करेक्ट आंसर, ओके, क्या ये वन वन है, बिल्कुल है, डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट देगा, क्या ये ऑन टू है, हाँ हमेशा है, ऑलवेज है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, वन वन एंड ऑन टू, ठीक है, क्योंकि एक्स वन रखोगे तो एक्स वन डिफरेंट इनपुट के डिफरेंट आउटपुट दे रहा है, साफ साफ दे रहा है, और निगेटिव रखोगे तो निगेटिव पॉजिटिव पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे वाई इक्वल टू एफ एक्स रखा,
है ना, वाई इज इक्वल टू 3x रखा तो x कितना हो गया, x इज इक्वल टू y बाई 3 हो गया, y की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, एवरीथिंग, दैट इज व्हाई इट इज 1 1 + 1 2, दैट इज ऑल, लेट्स मीट टुमारो, आई मीन मंडे, थैंक यू, बाय बाय.